सतसंग जी फतेह गजाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे हिरदे विच मेरे वाहेगुरु का नाम वसया है, मेरा कर्जा उतर गया है। कई दफा इस शब्द का विचार आपने श्रवण किया होना है। ऋण का अर्थ कर्जा होता है। गुरु महाराज कहते हैं मेरे ते भी कर्जा सी। गुरु महाराज ने हुक्म किया सी पुत्र हरिमंदर बनाना है, सरोवर बनाना है, महल बनाने ने, तरन तारण साहब बनाना है। ये सारिया जिम्मेवारियां मैनू मेरे पिता जी मैनू सौंप गए सन। अज गुरु की कृपा दे नाल ओ जो सेवावां मैनू कह गए सन वो पूरियां होईयां ने। और गुरु महाराज ने इस खुशी विच ये शब्द उचारिया, कर्ज उतारिया, सतगुरु कर आहर आ। सतगुरु ने कृपा कीती, मेहर कीती ते बख्शिश कीती। ये मेरे सिर ते जो ऋण सी, जो कर्जा सी, वो गुरु महाराज ने उतार दिता। तो प्यारियो, महाराज मेहर करन, बख्शिश करन, ये भी किसे किसे जे गुरु महाराज शोभा देंदा है। ये वड़ियाई भी किसे किसे नूं मिलदी है, नहीं तो कई नूं पहले ही विघन पै जांदा है, जां विच विचाले विघन पै जांदा है, कम होंदा नहीं, उत्थे दा उत्थे रह जांदा है। तो गुरु महाराज साहिब सच्चा पातशाह दी बख्शिश दे सदके ये जिसका कारज तिन्ही किया मानस क्या विचारा राम। ये सतगुरु महाराज ने बहुत सारे शब्द शुकराने वजो उतारने उचारने किते हैं। मैनू तो विश्वास है कि मेरे सारे कारज जड़े ने मेरे घर बने आ, बनताल बने आ, प्रपर से हर राया राम। हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। तो गुरु महाराज की कृपा दे नाल जिस अस्थान ते भी बैठे हो यो, जो जो ही चितवे साध जन सो लेता मान। महापुरख महंत तारा सिंह साहिब जी, छोटे संत नाल ही संत अजीत सिंह जी, वो सारे जो ही उद्यम कर रहे ने और अपने वालों सेवा निभा रहे ने, सतगुरु महाराज इन्हां दे कारजां नूं पूरन कर रहा है। किते लंगर पिया बनता है, किते हस्पताल बन चुका है, किते गुरु महाराज की कृपा दे नाल उपर कमरे बड़े सुंदर बन रहे हैं। ये सारिया जो ही गुरुदेव जी महाराज ने साडे जिम्मे सेवावां लईयां ने वो हो रही ने, और जिसका कारज है वो आप ही करी जाता है, मनुख का काम नहीं। ये संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। जिवें आप वाहगुरु कम करे, कई बार वेख्या है बहुत लोगों के जड़े कम ने अध विचाले ही रह जाते ने, ना इधर दे रहते ने ना उधर रहते, कहने फस गए जी। कई पुछीदा है कम का की हाल है जी, फस गए बुरा हाल है, ना छड़न जोगे हाँ तो ना करन जोगे हाँ। तो गुरु महाराज सच्चा पातशाह ने कृपा की है। बाकी प्यारियो, मनुख दे उत्ते, हर मनुख दे उत्ते कर्जा चढ़िया होया है, माता का चढ़िया है, पिता का चढ़िया है, और वह कर्जे जड़े ने वह तद ही उतरते ने जे मेरे हिरदे विच जिस तरह महाराज ने हुक्म किया है नाम वस जावे ते सारे कर्जे जड़े ने वह उतर जाते हैं। तो ये कर्जे जड़े ने साडे उपर हर मनुख दे उत्ते हैगे। पिता की सेवा न की जाए वह भी करजा है, माता की सेवा न की जाए वह भी करजा है, पितरों की सेवा ना की जाए और वह भी करजा होता है। पर सारे का गुरुदेव जी महाराज कहते ने युक्ति सुंदर दसी है, जे तुसी वाहगुरु का नाम सिमरन कर लोगे तुहाडा सारे जड़े करजे ने वह उतर जाएंगे, नहीं तो वह करजे जड़े ने वह कई बार औखा करते हैं, जा शरीर च कष्ट हो जाता है, जा कोई ग्रह योजे आ जाता है, महसूस न करना। कई लोग जड़े ने आम लोगों को सुने है तो वहम भी पा देंगे ने, कई बार सुनी दे तो वेखी दे,
ते ओ क्यों क्यों कहंदे ने ओ कुछ ना कुछ उहनां नूं तकलीफ हुंदी है, कदे दुख हुंदा है, कदे तकलीफ हुंदी है, कदे डर लगदा है, कदे बचन डर लगदा है। इह आम लोकां ग्रस्ती जीवन दे घर विच इह बीतियां ने गल्लां, ते क्योंकि उह सिमरन नहीं ना करदे। नानक नावें बाज सनात, सनात दा अर्थ हुंदा भूत। जिथे नाम ना होवे जे घर साध न सेवीए, हर की सेवा नाए ते घर मरहट सारखे, भूत बसे तिन माए। उत्थे डर हुंदा है, उत्थे भाव हुंदा है, कदे बच्चियां नूं, कदे आप नूं, कदे इस तरह शरीर दे विच कोई ना कोई कष्ट बनिया रहिंदा है। फिर वह सियाणियां कोल पुछदे ने, आखो सतनाम श्री वाहे। तो इहो जिहे जिहड़े करजे ने, वहम कह दो, करजा कह दो, पर हुंदा है उहनां नूं ने ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ, ਸਨਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹੀ ਭੂਤ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।